अस्सलामु अलैकुम, आई एम हेयर फरीना मोहम्मद। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमें आज पढ़ना है कि ओलंपिक्स में जो एथलीट्स थे यानी कि ब्लैक अमेरिकन्स, कैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा इन लोगों ने कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखाया जब मेडल्स रिसीव कर रहे थे, तो कैसे शूज़ पहने बिना आए थे, तो बाद में क्या हुआ, इनके खिलाफ एक्शन की गई, एक्शंस टेकन अगेंस्ट देम। इन एक्शंस के चलते वर्ल्ड वाइड एक डिबेट बन गई, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो अब जब इन्होंने कुछ किया है तो इसके अगेंस्ट में जो अथॉरिटीज़ थी, ओलंपिक्स एसोसिएशन थी या फिर जो कंट्रीज़ थी, तो इन कंट्रीज़ में क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ, तो आप देखते हैं एक्शंस अगेंस्ट देम। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड बोथ द एथलीट्स जॉन कार्लोस एंड थॉमस स्मिथ गिल्टी ऑफ द ओलंपिक स्पिरिट्स, देयर मेडल्स वर टेकन बैक। तो अब क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक एसोसिएशन जो थी, इन्होंने ये पाया कि ये दोनों एथलीट्स गिल्टी है, मुजरिम है, क्योंकि ये अपना पॉलिटिकल इशू, मतलब इनकी कंट्री का यानी कि यूएसए का डोमेस्टिक इशू है, तो इस पॉलिटिकल इशू को इन्होंने यहाँ नहीं लाना था इस प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो कि ओलंपिक्स वहाँ पे था। तो सिर्फ ओलंपिक्स के लिए सेपरेट होना चाहिए, और इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना तो गलत है। और जो एक और एथलीट था नॉर्मैन, नॉर्मैन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर नेक्स्ट ओलंपिक। क्यों, इसने भी तो बैज पहना हुआ था, इसने भी इनका सपोर्ट किया। नॉर्मैन को ओलंपिक एसोसिएशन ने पनिशमेंट तो नहीं दी, लेकिन जो नॉर्मैन की कंट्री थी यानी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नेक्स्ट ओलंपिक्स में पीटर नॉर्मैन को अपनी टीम में नहीं रखा, क्योंकि पीटर के इस एक्शन से यूएस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बिगड़ सकते थे। तो ये सारा इंसिडेंस जो हुआ 1968 ओलंपिक्स में, मेक्सिको ओलंपिक्स में हुआ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।